अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद जरगुल। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ मैथ। आज के इस वीडियो में हम मैथ की वर्कशीट करेंगे और इसमें ये आप अपने बच्चे को घर पे प्रैक्टिस करवाएं तो मैथ इंशाल्लाह अच्छा होता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथ वर्कशीट हमारी पार्ट 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द शेप डैट हैज़ 3 कॉर्नर्स। 3 कॉर्नर शेप देखनी है। सर्कल में हमें नज़र आ रहा है, कोई कॉर्नर नहीं होता। देन हमारे पास ट्राइंगल है और फिर स्क्वायर है। तो 3 कॉर्नर जो शेप है ये 1, 2, 3, दिस इज ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड शेप डैट हैज़ 4 कॉर्नर्स। दिस इज ट्राइंगल एंड दिस इज 3 कॉर्नर्स एंड दिस इज स्क्वायर। सर्कल हैज़ नो कॉर्नर। इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज स्क्वायर, 4 कॉर्नर शेप। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ ऑर्डर में काउंटिंग लिखना। असेंडिंग ऑर्डर आप अपने बच्चे को इस तरह प्रैक्टिस करा सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिर आ जाएगा 22, देन 33, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ, फिर 35, 35, 35, देन 56, 56 एंड देन 87, 87। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसमें सबसे छोटा आ जाएगा 45, देन 63, देन 64। देखिए इस तरह आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा काउंटिंग की भी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप उसकी जो है वो माइंड लेवल भी इन्हेंस होता जाएगा इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से। देन 92 और देन 98। देन लास्ट है हमारे पास 12, 12 ही सबसे छोटा है। इसके बाद 24, 24, देन 33, 33, उसके बाद 56, 56, 56 एंड देन 92। बिल्कुल शॉर्ट सी ये वर्कशीट है हमारे पास। 3 क्वेश्चंस हैं, इसके बिल्कुल सिंपल वीडियोस मैं आपके लिए लेके हाजिर होती हूँ कि आप अपने बच्चे को घर पे इजीली प्रैक्टिस करा सके। 3 कॉर्नर शेप इस तरह उन्हें अच्छे तरीके से आ जाएंगी, 4 कॉर्नर शेप कॉन्सेप्ट हो गया एंड देन असेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।